हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ में। दोस्तों आज मेरे पास Redmi 7 है। जी दोस्तों Redmi 7 है। चलिए एक बार आपको इस फ़ोन का एवर्ड फोन दिखा देते हैं, उसके बाद आज हम सीधे ही करेंगे हम पबजी लाइट का टेस्ट। जी दोस्तों पबजी मोबाइल लाइट देख लीजिएगा, मैंने आपको एवर्ड फोन दिखाई दिया है। बात करें मेरे पास कौन सा वेरियंट है, तो मेरे पास 2 GB रैम वहीं 16 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। चलिए सीधे पबजी मोबाइल लाइट को प्ले करते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन कौन से ग्राफिक्स पर आप इस फ़ोन में पबजी मोबाइल लाइट खेल सकते हो। आप इस फोन में पबजी मोबाइल लाइट खेलना चाहते हो तो कौन कौन से ग्राफिक्स पर खेल पाओगे, कितना स्मूथ आप इसमें पबजी लाइट खेल सकते हो, सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया मेरे पास कौन सा वेरियंट, तो मेरे पास 2 GB रैम वहीं 16 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है, तो 2 GB रैम वहीं 16 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। चलिए मैं पबजी लाइट प्ले होने वाला, उसके बाद सबसे पहले आपको ग्राफिक्स दिखाने वाले हैं। अगर बात करें इस फोन के प्रोसेसर की, तो इस फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों 439 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि एक नॉर्मल सा प्रोसेसर है, गेमिंग के लिए उतना अच्छा प्रोसेसर नहीं है। आप इस फोन में एक एवरेज गेमिंग पबजी लाइट या फ्री फायर जैसी गेमिंग कर सकते हो। अगर आप इस फोन में पबजी खेलोगे तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला, क्योंकि पबजी इसमें ना तो चलेगा और ना ही आप इसमें खेल पाओगे। अगर चल भी गया तो बहुत ही ज़्यादा लैग और फ्रेम ड्रॉप आपको मिलने वाले हैं। चलिए पबजी मोबाइल लाइट स्टार्ट हो चुका है, सबसे पहले आपको ग्राफिक्स दिखा देते हैं ये फ़ोन कौन कौन से ग्राफिक्स सपोर्ट करेगा, और वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा आपको ये फ़ोन खरीदना है या नहीं खरीदना है। चलिए ग्राफिक्स पर क्लिक करेंगे तो स्मूथ में आपको अल्ट्रा का ऑप्शन मिल जाता है, बैलेंस में भी अल्ट्रा का ऑप्शन मिल जाता है। अगर बात करें HD की, तो HD सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि भाई प्रोसेसर उतना अच्छा नहीं है, तो एक नॉर्मल सा प्रोसेसर है इस फ़ोन का। और ये फ़ोन एक गेमिंग फ़ोन भी नहीं है, एक नॉर्मल सा ही फ़ोन है। अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हो तो पबजी लाइट और फ्री फायर जैसी गेमिंग ही कर पाओगे। चलिए आगे देखते हैं इस फोन का जायरोस्कोप कैसा वर्क करेगा। जायरोस्कोप हमने ऑलवेज ऑन कर दिया है। अगर बात करें सेंसिटिविटी की, तो लगभग जायरोस्कोप सेंसिटिविटी हम फुल कर लेते हैं नो स्कोप और रेड डॉट पर, इसी दोनों पे आपको दिखाने वाला हूँ जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस। चलिए सीधे कोई मैच स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको इस फ़ोन की परफॉर्मेंस। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे वीडियो में। दोस्तों आपके पास में कौन सा फ़ोन है जिसमें आप पबजी खेलते हो या पबजी मोबाइल लाइट खेलते हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आप किसी फ़ोन में जानना चाहते हो कि भाई इस फ़ोन में गेमिंग कैसी होने वाली है या वो फ़ोन कौन कौन से ग्राफिक्स सपोर्ट करेगा, तो भाई आप कमेंट कर सकते हो। कोशिश करूँगा आपके हर कमेंट पर वीडियो बना दूँ, वरना कमेंट के रिप्लाई मैं ज़रूर देता ही हूँ। जिस फ़ोन के लिए भी आप मुझे बोलोगे, अगर वो फ़ोन मेरे पास है या मेरे किसी फ्रेंड के पास है, तो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, वरना आपको कमेंट में बताने वाला हूँ कि इस फ़ोन में कैसी परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है। चलिए आगे वीडियो को देखते रहिए, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भाई मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अभी तक तो पबजी लाइट स्मूथ ही चल रहा है। अगर बात करें जायरोस्कोप की, तो जायरोस्कोप भी उतना बेकार नहीं है, नॉर्मल सा जायरोस्कोप है, अच्छा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ फिर भी नॉर्मल सा ही जायरोस्कोप है। पबजी मोबाइल लाइट में आप थोड़ा बहुत जायरोस्कोप भी यूज़ कर सकते हो रेडमी 7A के अंदर। तो जैसे कि आप भी देख पा रहे हो, मेरे आगे पीछे ऑटो भाग रहे हैं, लेकिन मैं उनके पीछे भाग रहा हूँ। तो आपने ऑटो यूज़ किया है नहीं किया पबजी मोबाइल लाइट के अंदर, कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अब आपसे बात करते हैं इस फ़ोन के बैटरी की। तो इस फ़ोन में आपको 4000 mAh की बैटरी दी गई है, और जो कि आपको इसी फ़ोन के हिसाब से बैकअप भी अच्छा दे देती है। लेकिन आप इस फ़ोन में पबजी मोबाइल लाइट या फ्री फायर खेलोगे तो आपको उतना अच्छा बैकअप नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भाई एक नॉर्मल सा ही फ़ोन है। अगर आपके पास में ये फ़ोन है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं उस फ़ोन में आप कैसी गेमिंग कर लेते हो, आप उसमें गेमिंग करते भी हो या नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं इस फ़ोन के प्राइस की। तो इस फ़ोन का प्राइस अगर आप फ्लिपकार्ट पर चेक करोगे तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा जो भी प्राइस है, लेकिन आपसे कहना चाहूँगा अभी आप इस फ़ोन को गेमिंग के लिए बिल्कुल भी मत खरीदना। मैं आपको एक और फ़ोन बताता हूँ जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, तो जिसका नाम है रेडमी 7। तो आप उसे भाई खरीद सकते हो, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अगर आप उसे MI स्टोर पर अभी चेक करोगे तो आपको 6000 रुपये का मिल जाएगा। 5500 का आपको 2 GB रैम वाला वेरियंट मिलेगा, और आपको वहीं 6000 रुपये में आपको 3 GB रैम वहीं 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरियंट मिल जाएगा। तो जो आपको काफ़ी अच्छी खासी गेमिंग करा देगा इस फ़ोन से, बेटर काफ़ी करा देगा, क्योंकि भाई उस फ़ोन का प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 632 का, जो कि आपको काफ़ी अच्छे से गेमिंग भी करा देता है। तो इस वजह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इस फ़ोन के मुकाबले आप Redmi 7 में काफ़ी अच्छे से गेमिंग कर लोगे। ऐसे नहीं कि वो फ़ोन काफ़ी अच्छा है, लेकिन भाई इस फ़ोन के मुकाबले काफ़ी अच्छा है, आपको काफ़ी अच्छे से गेमिंग भी करा देगा। चलिए वीडियो को आगे जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर करना। मैंने आपको बता दिया है ये एक नॉर्मल सा फ़ोन है, लेकिन आप इसमें पबजी मोबाइल लाइट या फ्री फायर खेल सकते हो, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। आप दिन में 1-2 मैच 2-3 मैच बड़े आराम से खेल सकते हो, 2-3 मैच तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हाँ आप 3-4 घंटे लगातार तो नहीं खेल पाओगे, आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि फ़ोन हीट होने लगेगा और आपका बैटरी बैकअप भी उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। अदरवाइज आप इसमें नॉर्मली गेमिंग करोगे, पबजी लाइट खेलो या फ्री फायर खेलो, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। दिन में 1-2 मैच या 1-2 घंटे का गैप देकर, थोड़ा थोड़ा गैप देकर आप इसमें काफ़ी अच्छे से पबजी मोबाइल लाइट और फ्री फायर
खेल सकते हो। अगर आपको इसकी फ्री फायर की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, मैंने वीडियो पहले ही बना रखी है। मैंने आपको बता दिया इस फ़ोन का प्राइस क्या है। आपको अभी ये गेमिंग के लिए तो नहीं लेना है क्योंकि फ्लिपकार्ट पर अभी ये फ़ोन काफ़ी महंगा आपको मिल जाएगा शायद, और ना भी मिले तो आपसे कहना चाहूँगा आप एक रेडमी 7 खरीद सकते हो। ये 7A है तो आप 7 खरीदोगे, वो भी MI स्टोर से। फ्लिपकार्ट से आप उसे मत खरीदना क्योंकि फ्लिपकार्ट पर अभी वो लगभग 9000 के आसपास आपको उसका प्राइस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप MI स्टोर पर चेक करोगे तो आपको उसका प्राइस थोड़ा कम मिलेगा, तो आप उसे चेक कर सकते हो। चलिए दोस्तों वीडियो को थोड़ा आगे देखते रहिए। मैंने आपको थोड़ा और वीडियो में आगे दिखाया कि आपको फ़ोन की कैसी परफॉर्मेंस मिल जाती है। आगे पीछे भाग दौड़ कर जायरोस्कोप मैंने आपको दिखाई दिया है। जायरोस्कोप उतना बेकार नहीं है, लेकिन अच्छा तो नहीं बोलूँगा, काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी फ़ोन के हिसाब से सही वर्क कर रहा है। तो चलिए आगे वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि भाई ये फ़ोन एक गेमिंग फ़ोन नहीं है, तो आप इसमें पबजी मोबाइल लाइट और फ्री फायर जैसी गेमिंग ही कर पाओगे। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भाई मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। चलिए वीडियो को थोड़ा आगे देखते रहिए। दोस्तों आज की वीडियो में कुछ इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।